वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फरहान कम्युनिकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। पोस्ट ऑफिस में GDS ऑनलाइन में अभी 1137 का पोस्ट और इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन में अभी 1137 का पोस्ट और 1421 का पोस्ट जो खाली है, अभी वैकेंसी है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 1137 का पोस्ट जो पोस्ट इंडियन पोस्ट पोस्ट ऑफिस में को GDS पे अभी वैकेंसी निकला है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या पोस्ट है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना जो है आपको छूट मिलने वाला है उस जॉब के रिगार्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट टाइम जाना होगा गूगल में और आपको apost.in में क्लिक करना है, सर्च करना है। और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है GDS में आपको क्लिक करना है। GDS में जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपके सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1137 का पोस्ट अभी जो है दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई देगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ केरला सर्कल साइकिल 3 नोटिफिकेशन रिलीज। तो अभी जो है 1137 का पोस्ट खाली है छत्तीसगढ़ में और केरला में 1421 का पोस्ट खाली है। तो दोनों नोटिफिकेशन जो है मैं अभी आपको दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ 1137 पोस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3 2020-2021 छत्तीसगढ़ सर्कल GDS/1-12/CH-VI/2020/cycle3। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है और यहाँ पे जो है पूरा जॉब के डिस्कशन किया गया है और आप यहाँ पे जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है वो BPM और ABPM डाक सेवक, तो ये जो है सैलरी स्लैब है। ये क्या बोल रहा है, दी फॉलोइंग मिनिमम ट्रैक TRCA शैल बी पेबल टू द कैटेगरी ऑफ GDS एज मेंशन इन डायरेक्टोरेट ऑर्डर नंबर। ये आपको दिखा रहा है GDS डेट जो है 25/6/2018 का जो ये स्थगित किया गया था वही अब रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो है एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है आपको 18 से 40 ईयर का होना चाहिए और जो है 8/3/2021 के डेट तक जो है आपका एज 18 से 40 ईयर्स का होना चाहिए। क्या दिया गया है आपको, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है 5 ईयर्स का छूट मिलने वाला है, अदर्स बैकवर्ड क्लासेस OBC 3 ईयर्स का आपको जो है छूट मिलने वाला है एज में, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो है ये आपको ठीक ठाक से पढ़ लेना है। यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है आपको, एडुकेशन क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी 10th पास अगर आप होते हैं तो आप जो है ये जॉब एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जो है 10th पास और HS पास जो जितना भी कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ और केरला का, आप जो है ये जॉब के लिए आप अप्लाई करके जो है आप एग्ज़ाम देके ये जॉब पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको कैसे जो है लैंग्वेज में बात करना है वहाँ पे। और ये पोस्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पोस्ट आप इंडिया का कहीं भी से किसी भी जगह से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम जाते हैं केरला के, केरला में सेम जो है आपको दिखाया गया है जो आपका नोटिफिकेशन क्या है वही सेम टू सेम। और ये दोनों जो है लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके जो है आपको जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेज है, हम इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और जो है एप्लीकेशन करने के लिए जो है आप तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में बोला गया है कि आपको जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है डिटेल्स में आपको बताया गया है कि आप कैसे इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 100 रुपया का चार्ज लगता है अगर आप जनरल कास्ट होते हैं ये फॉर्म भरने के लिए, और जो है ST SC OBC का जो है कोई चार्ज नहीं लगता है ये फॉर्म भरने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना होगा
ये जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इस लिंक पे जाने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे फीस पेमेंट है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है। तो ये तीनों स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों आशा रखते हैं मेरी ये जानकारी में आपको सहायता होगी, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड बाय।